तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर भारत के दोस्त अर्मेनिया को लेकर, और जब से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में छोटा सा युद्ध हुआ है और इस लड़ाई को अर्मेनिया हारा है, तब से अर्मेनिया अपने सभी मित्र देशों से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि अर्मेनिया मात्र 24 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर देता है और अर्मेनिया के सभी मित्र देश चुपचाप देखते रहते हैं। परंतु अर्मेनिया खास तौर पर रशिया से काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि नागानो कारवा के अंदर रूस की शांति सेना थी। रूस को पता था कि अजरबैजान क्या करने वाला है, परंतु फिर भी अर्मेनिया का आरोप है कि रशिया ने हमें जानकारी नहीं दी कि अजरबैजान हमला कर रहा है। इसलिए अब अर्मेनिया रूस के साथ अपनी दोस्ती को नजरअंदाज करते हुए ICC यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर शामिल होने जा रहा है। हालांकि अर्मेनिया को रशिया ने चेतावनी दी थी कि अर्मेनिया का यह कदम बेहद ही अमित्रतापूर्ण है और रशिया ने अर्मेनिया को ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी थी, परंतु आज स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो कि फाइनली अर्मेनिया की संसद में भी यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि अर्मेनिया अब ICC का सदस्य बनेगा और अर्मेनिया की संसद में इस प्रस्ताव को 60 मत पक्ष में मिलते हैं, जबकि 22 मत विपक्ष में, जिसके कारण से यह प्रस्ताव अर्मेनिया की संसद से पास हो चुका है और अब अर्मेनिया जल्द ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बन जाएगा। और अर्मेनिया का अब भी रशिया को यह कहना है कि हमें मास्को से कोई लेना देना नहीं है, अजरबैजान ने जो हमारे लोगों के साथ किया है हमें उसकी सजा अजरबैजान को देनी है और इसलिए हम ICC के अंदर शामिल हो रहे हैं। पर यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बड़ी अड़चन आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि ICC में शामिल होने के बाद यदि पुतिन अर्मेनिया गए तो वहां पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर से अर्मेनिया और रशिया के बीच में संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। जय हिंद।